नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। स्क्रीन पे देखिए हम आपको कौन बनेगा करोड़पति 2024 का एक प्रोमो दिखा रहे हैं, जिस प्रोमो में सुधीर कुमार नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें ये उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और केबीसी के मंच पर ये हॉट सीट पर विराजमान होकर 25 लाख की राशि जीत चुके हैं और 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछने वाले हैं। दर्शक इस उम्मीद में हैं कि क्या सुधीर कुमार 50 लाख जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, 50 लाख के प्रश्न का ये सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो हम आपको अभी ही बता दें, ये बड़ा कॉमन साफ सवाल है, अगर ये 50 लाख जीत चुके होते तो प्रोमो में 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ का क्वेश्चन दिखाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी जो केबीसी टीम होती है, जो केबीसी मेकर्स होते हैं, वो भी जो है प्रोमो को अच्छे तरीके से जो है टेलीकास्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि दर्शक तक जो है ये काफ़ी संख्या में पहुंच पाए। तो जाहिर सी बात है, अगर सुधीर कुमार जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब इनका शो टेलीकास्ट होगा जहां पे आप देखेंगे कि ये 50 लाख का सही जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको अभी ही बता दें ये 50 लाख के प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है वो दो ही हो सकता है, या तो ये 25 लाख जीतने के बाद 50 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देंगे, क्योंकि ये 110% ये फैक्ट है कि 50 लाख वाले प्रश्न का ये सही जवाब नहीं दिए हैं। तो या तो स्थिति नंबर 1, ये 50 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट करेंगे और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख की राशि सीधा जीत कर जाएंगे, और नहीं तो दूसरा जो सस्पेंस होने वाला है वो होगा 50 लाख के प्रश्न पे ये गलत जवाब देंगे और गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिरेंगे 3,20,000 पे। ये दो ही स्थिति उत्पन्न होने वाली है और ये कन्फर्म होगा तब जिस दिन इस शो को टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये 12 अगस्त से कौन बनेगा करोड़पति का जो एपिसोड है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब जब ये शो टेलीकास्ट होगा, ये कन्फर्म नहीं है कि किस डेट को इस एपिसोड को टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि फर्स्ट वीकेंड में ही ये एपिसोड जो है टेलीकास्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 12 अगस्त से शो स्टार्ट होगा तो उस समय टेलीविज़न पे इस प्रोमो को एक बार फिर से जो है टेलीकास्ट किया जाएगा और उसमें आपको फाइनल डेट देखने को मिल जाएगा कि कब ये जो है हॉट सीट पे आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उन्नाव उत्तर प्रदेश के जो सुधीर कुमार हैं, इनके विषय में एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये अभी स्टूडेंट है और स्टूडेंट होने के साथ साथ फार्मर का भी काम करते हैं और इस तरीके से ये केबीसी के मंच पे 50 लाख के प्रश्न तक अपना सफर तय कर चुके हैं। अब देखेंगे जब ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो 50 लाख का कौन सा प्रश्न इनसे महानायक अमिताभ बच्चन पूछने वाले हैं।